जिन्हें कुछ निश्चितता का क्रम सिखा दिया जाता है, क्रमबद्ध पर्याय जैसी बातें सिखा दी जाती हैं, इसीलिए सिखा दी जाती हैं, बेटा सब कुछ निश्चित है, हर पर्याय तेरी निश्चित है। उदाहरण दे करके समझा दिया जाता है, देख वो मारीची का जीव जो आदिनाथ भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देखा था, देख वही जाकर के भगवान तीर्थंकर वर्धमान स्वामी का जीव बना, इतने काल के बाद बना, उनने जैसा कह दिया वैसा ही होगा, जैसा उनने देख लिया वैसा ही होगा। ऐसे काल के आश्रित बैठ करके लोगों ने अपने अपने अलग सिद्धांत बना लिए। एक क्रमबद्ध पर्याय का बड़ा अच्छा सिद्धांत लोगों ने, नया कहना चाहिए, नया डेवलपमेंट है, एक न्यू डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, समझ आ रहा है, एक न्यू साइंस है। जैनिज्म के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट आया, एक नई थ्योरी आई है क्रमबद्ध पर्याय की। जैसे कोई दूध होता है, अच्छा दूध की धारा चल रही हो, उस दूध में कहीं कुछ नींबू डाल दिया जाए तो उसका एक कांजीर बन जाता है, फट जाता है दूध, समझ आ रहा है ना। ऐसे ही एक नई धारा बना करके उस दूध को फाड़ दिया गया, एक अपनी नई थ्योरी बना ली गई, और वह कुछ ऐसा जैसे कांजीर होता है, दूध नहीं होता है, वो क्या होता है, कांजीर कहलाता है, समझ में आ रहा है। वह एक अलग पेय होता है और लोग उसी पेय को पीकर के संतुष्ट हो रहे हैं, फटे हुए दूध को। क्रमबद्ध पर्याय एक ऐसा नया सिद्धांत इस पंचम काल के अगर दोषों में निकाला जाए, जैसे हुंडा अवसर्पणी के दोष गिने जाते हैं, ऐसे ही पंचम काल के अगर दोष गिने जाएं तो उन दोषों में ये एक दोष भी इंक्लूड हो जाएगा। कौन सा दोष? क्रमबद्ध पर्याय। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि सब कुछ चीज निश्चित है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ चर्चा करना है। सम्यक ज्ञान की चर्चा करो, अहो आत्मन, अहो आत्मा का वैभव देखो, अहो आत्मा की परिणतियां देखो, बस अहो अहो करके बस केवल चर्चा करो और कुछ नहीं करना इससे आगे तुम्हें, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। सम्यक ज्ञान अर्जित करो, सम्यक ज्ञान के बिना सब कुछ बेकार है, ज्ञान के बिना ही अज्ञान से यह जीव अनादिकाल से भटकता आया है, ऐसा पंडितों ने छेड़ाला में लिख रखा है, इसलिए केवल ज्ञान की बात करो, उसके अलावा कुछ मत करो। और इस तरह की चर्चा के लिए बहुत अच्छा सिद्धांत आपके सामने, एक दो उदाहरण दे करके, जो पूरे 24 पुराण के अंदर अगर कोई फेमस उदाहरण है तो एक मारीची का है और एक दीपायन मुनि का है, बस इन दो उदाहरणों पर पूरी क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत पुष्ट हो जाता है। इसलिए भोली जनता को अनेक तरह से क्रमबद्ध पर्याय सिखाई जाती है, हर पर्याय निश्चित है, जिस समय पर जो पर्याय आएगी वो उसी समय पर आएगी, अपने आप उपादान की शक्ति से वो निमित्त मिल जाएंगे, अपने आप वह क्रमबद्ध पर्याय से आपके लिए वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, बिल्कुल आप सहज भाव से बने रहो, बैठे रहो, बस चर्चा करते रहो, अहो आत्मा का वैभव, अहो आत्मा का साम्राज्य, अहो आत्मा के अनंत गुण, अहो आत्मा की 47 शक्तियां, अहो आत्मा की अनंत चतुष्टय की शक्तियां, बस अहो अहो करते रहो, बस सब कुछ हो जाएगा। क्रमबद्ध पर्याय पर, सिद्धांत पर विश्वास करो। ये कौन का सिद्धांत है? ये कोई नए नए गोरिल्ले आ गए, ऐसे नए नए गोरिल्लों ने एक नया नया सिद्धांत बना दिया और उस सिद्धांत पर आज दुनिया को चलाया जा रहा है। जिन सिद्धांतों की कोई चर्चा कभी बड़े बड़े आचार्य अकलंको देव ने, आचार्य समंतभद्र महाराज ने, आचार्य कुंदकुंद देव ने भी उन सिद्धांतों की कोई चर्चा नहीं की, उन सिद्धांतों पर आज इस दुनिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो क्रमबद्ध पर्याय को नहीं जानता वो सर्वज्ञता को नहीं जानता, जो सर्वज्ञता को नहीं जानता वह कभी सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता, क्योंकि उसका सर्वज्ञता पर श्रद्धांत नहीं है, ऐसा सिखाया जाता है। सब पढ़ा हुआ है, सब सुना हुआ है, और सब पढ़कर के भी, सब सुनकर के भी मैं यहां बैठा हूं,